राधे राधे दोस्तों, इस कृष्ण वाणी में श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने जीवन में करना ही क्या है, हमें तो सब कुछ प्रकृति ने दे ही दिया है, हमें जल दिया है, जीवन दिया है, ये प्रकृति तो हमारा पालन पोषण कर ही लेगी। अब बताइए, कभी आपने देखा है शेर की सेवा करते हुए? नहीं ना। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या आपने देखा है पक्षी को चाकरी करते हुए? नहीं ना। फिर भी उनका पेट तो भरता ही है। तब इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि चलिए, मैं ये आपकी बात मान लेता हूँ, चलिए आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। क्या आपने कभी देखा है कभी भी एक जीव वो स्वयं चलकर आ जाए और शेर के मुंह में बैठ जाए और कहे, आप मुझे खा लीजिए, अपना भोजन बना लीजिए, अपना पेट भर लीजिए। ऐसा कहीं नहीं होता और ना ही कभी होगा। सिंह को अपना भोजन मिल जाता है जंगल में, लेकिन उसको आने के लिए आखेत तो करना ही पड़ता है। यदि उसने ऐसा नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, तो वह भूखा ही मर जाएगा। अब बात किया जाए तो पक्षी की, प्रकृति ने उसे दाने तो अवश्य दिया है, किंतु उसे उस दाने के लिए खोजना पड़ता। पक्षियों को स्वयं को जीवित रखने के लिए अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, रहने के लिए उसको घर बनाने पड़ते हैं, जाके वो जीवित रह सकती है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने जीवन में परिश्रम से कभी दूर मत भागिए, आपका यही परिश्रम दूर दूर में आपका भाग्य बनाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। ये कृष्णवाणी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। मिलती हूँ एक नए कृष्णवाणी के साथ, तब तक के लिए बाय। राधे राधे। मिलती हूँ एक नए कृष्णवाणी के साथ।